हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ चैताली। आप सबको मेरे गार्डन में स्वागत है। अभी नवंबर महीना चल रहा है और इस महीने में मेरे गार्डन में कौन कौन से फ्लावर, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की प्लांट्स है, आज की वीडियो में मैं वही दिखाऊंगी। तो दोस्तों, ये है मेरे गार्डन की लैंटेना प्लांट और मेरे लैंटेना प्लांट में देखिए फ्लावर्स से बर्ड्स से भरे हुए हैं। तो मुझे तो बहुत ही पसंद है ये येलो कलर की लैंटेना की प्लांट। एकदम केयर करना नहीं पड़ता है। महीने में एक बार सिर्फ मैं इसमें किचन कंपोस्ट जो फर्टिलाइज़र है वही देती हूँ। उससे ही मुझे देखिए इतनी अच्छी रिजल्ट मिल रहे हैं। और दोस्तों, ये प्लांट मेरे ओपन टेरेस में है तो पूरे दिन की धूप इस प्लांट को पड़ते हैं। तो बस यही दो ही चीज़ें इस लैंटेना प्लांट के लिए ज़रूरत है। अगर ये मिलते हैं तो आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा इसकी केयरिंग। आप अगर सारा दिन बिजी रहते हैं तो इस लैंटेना प्लांट को लगा लीजिए, बिना केयर के ये प्लांट फ्लावरिंग करते ही जाएगी। और ये है मेरे नेक्स्ट प्लांट, देखिए कितनी ब्यूटीफुल है इसकी फ्लावर्स, पूरे पिंक कलर में। बहुत सारे बर्ड्स भी आए हुए हैं और इसकी फ्लावरिंग इसी विंटर सीजन में खिलते हैं और ये अभी अभी खिलना शुरू हुए हैं, पूरे गुच्छों में खिलते हैं, तो देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं। ये देखिए, ये मेरे पास 3 सालों से है और फ्लावरिंग भी पहले कम करते थे लेकिन अभी इस प्लांट में बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग हो रहे हैं। दोस्तों, ये है मेरे गौरी चौरी की फ्लावर्स और इसकी जो मदर प्लांट है वो हमारे जो मेन गेट है उसके पास लगे हुए हैं। और इस साल जब बारिश के सीज़न में मैंने प्रून की थी उस प्लांट को, तो उसकी एक ब्रांच लाकर इस पॉट में लगा दी थी। तो देखिए वही ब्रांच कितने अच्छे, ये देखिए कटी हुई जगह, इस कटिंग की ग्रोथ तो बहुत ही अच्छी है। चारों तरफ से ब्रांचेस निकले हैं, सभी ब्रांचेस की ऊपर के भाग से बर्ड्स निकल रहे हैं लेकिन इस ब्रांच की बर्ड्स पहले ही खिल गए हैं। और भी ज़्यादा ये प्लांट येलो कलर के बन जाएंगे जब इनमें फ्लावर से भर जाएगी। तो दोस्तों, मेरे नेक्स्ट वीडियो है इसके ऊपर और ये है धनिया पत्ता। देखिए, मेरे टूटे हुए गमले में मैंने कुछ धनिया पत्ता लगाई थी तो बहुत ही अच्छी इसकी ग्रोथ है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया हो रहे हैं। और दोस्तों, अभी ये खाने के भी लायक हो गए हैं लेकिन मैं और थोड़ा बड़े होने के लिए इसे रख दूंगी। और दोस्तों, मैं जो इसको हिला रही हूँ तो बहुत ही अच्छी सी स्मेल मुझे आ रही है धनिया पत्ते की। और दोस्तों, इसकी स्मेल तो मुझे पसंद है ही और साथ साथ इसको खाने में भी मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं और इसीलिए मैंने बहुत सारे जगह पर धनिया पत्ते के सीड्स को ग्रो की है। और दोस्तों, मैं इसकी जो चटनी बनते हैं वो बहुत ही पसंद करती हूँ और सभी रेसिपीज़ में इसको थोड़ा सा अगर डाल देती हूँ तो उस स्वाद ही बदल जाते हैं। तो आप लोग ज़रूर खाते हैं ना धनिया पत्ते को? आपको किस तरह से पसंद है धनिया पत्ते को खाना, मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं, मुझे अच्छे लगेंगे। तो ये देखिए मेरे नेक्स्ट पॉट जो है 20 लीटर की वाटर जार और इसके आधे हिस्से में ही मैं धनिया पत्ते को लगाई हूँ। तो देखिए कितने अच्छे इसमें ग्रो हुए हैं। और ये है मेरे नेक्स्ट धनिया पत्ते की पॉट और ये है एक टूटे हुए बकेट जिसमें देखिए धनिया पत्ते की सीड्स को मैंने लगाई थी और बहुत ही बढ़िया इनमें ग्रो भी हो रहे हैं। आप किसी भी जगह पर इस धनिया पत्ते को लगा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया ग्रो हो जाएगी। बाज़ार से दिए गए केमिकल धनिया पत्ते से अच्छा है आप अपने ही घर पर धनिया पत्ते को उगा कर खाइए। और देखिए इस प्लांट में अभी अभी पानी दिए हैं तो प्लांट पूरे नीचे सो गए हैं तो दोस्तों, कुछ ही देर में ये ठीक भी हो जाते हैं। पानी देने से ये बहुत ही पतला होते हैं तो मुरझा जाते हैं, कुछ देर बाद फिर से ये स्ट्रेट हो जाते हैं। तो ये मेरा नेक्स्ट बकेट है मदर डेयरी की, इसमें भी ग्रो हुए हैं। आप किसी भी जगह पर इस धनिया पत्ते को लगा सकते हैं, छोटे से छोटे पॉट में भी ये बहुत ही अच्छी तरह ग्रो हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए मेरे एक मालाबार स्पिनाच की प्लांट और इसमें फ्लावर्स भी आ रहे हैं। ये देखिए कितने लंबे हो गए हैं। कुछ दिन पहले भी मैंने हार्वेस्ट की थी दूसरी प्लांट से मालाबार स्पिनच, तो मैंने आप सबसे वो शेयर की थी। तो ये अभी एक प्लांट लगी हुई है, मैं इसका सीड बनाना चाहती हूँ और इसकी जो फ्लावर्स है वो भी खाने में बहुत ही मज़ेदार होते हैं।
तो चलिए अब देखते हैं इस नेट के नीचे क्या है। इस नेट को मैंने दी है क्योंकि छोटे छोटे बर्ड्स आके इस प्लांट को खा जाते हैं और अभी अभी जर्मिनेट हुए हैं ये प्लांट्स, ये देखिए। और इसकी छोटे छोटे लीव्स को बर्ड्स खा जाते हैं, इसीलिए मैंने इसको ढक कर रखी है। तो जब ये थोड़े और बड़े हो जाएंगे तो मैं इस नेट को हटा दूंगी। ये है बिलिती धनिया पत्ता, इसकी भी बहुत बढ़िया खुशबू है। तो मैंने बहुत सारे धनिया पत्ते की पॉट्स तैयार की है इस साल, तो मुझे तो लगता है दोस्तों इस साल मुझे बाज़ार से धनिया पत्ता खरीदना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इतने सारे धनिया पत्ते ग्रो जो हो रहे हैं मेरे गार्डन में, और मेरे जो गार्डन में सभी प्लांट्स हैं वो एकदम ऑर्गेनिक प्रोसेस से मैं तैयार करती हूँ। कुछ भी केमिकल्स मैं मेरे प्लांट्स में नहीं देती हूँ, वो फूल हो, फल हो या सब्जी की प्लांट्स हो, सिर्फ ओनली ऑर्गेनिक प्रोसेस से मैं ये सब प्लांट्स तैयार करती हूँ। और दोस्तों बाज़ार की जो केमिकल्स वाले प्लांट होते हैं उसको खाने से घर पे उगाए गए जो भी प्लांट्स हो, वेजिटेबल्स हो, उसको खाना बहुत ही हेल्दी होते हैं। तो दोस्तों आप भी अगर आपके पास थोड़ा सा जगह है तो आप भी इस तरह से धनिया पत्ते को ग्रो कर सकते हैं। तो ये देखिए अब मेरे फूल गोभी की प्लांट, ये देखिए बहुत ही बढ़िया इसकी ग्रोथ चल रही है। और मैंने एक दर्जन लाई थी नर्सरी से, तो सभी देखिए बहुत ही बढ़िया ग्रो हो रहे हैं, सिर्फ एक प्लांट वो मर चुके हैं, तो उसमें ज़्यादा पानी दिए थे मैंने इसीलिए वो प्लांट मर गए थे। तो दोस्तों आप जब भी नए कोई पौधे को लगाते हैं प्लांट में तो पानी थोड़ा समझ कर दीजिएगा, नहीं तो मेरी तरह आपके भी प्लांट मर सकते हैं। लेकिन बाकी देखिए 11 प्लांट एकदम फ्रेश और हेल्दी है एक को छोड़ के, तो पानी थोड़ा समझ कर देना पड़ेगा। ये देखिए दो टमाटर की प्लांट, और इसको मैंने लगाई है प्लास्टिक की बोरी में, जो केलॉग्स के पैकेट आते हैं उसमें नीचे होल कर कर, और मेरे जो किचन कंपोस्ट है वो और गार्डन सॉइल मिलाकर मैंने इसकी जो मिट्टी है उसको तैयार की है और इस प्लांट को ग्रो की है। इसकी ग्रोथ भी बहुत ही अच्छी चल रही है। और ये देखिए मेरे ब्रिंजल, कुछ दिन पहले ही इसी प्लांट से मैंने बहुत सारे ब्रिंजल्स को हार्वेस्ट की थी, और बाकी जो ब्रिंजल्स थे प्लांट में वही ब्रिंजल्स देखिए फिर से हार्वेस्ट करने के लिए एकदम तैयार है, और सभी प्लांट में अभी भी बहुत सारे ब्रिंजल्स है। और देखिए दोस्तों इसका कलर कितनी ब्यूटीफुल है, एकदम ओरिजिनल बैंगन की कलर है, और ये एकदम ऑर्गेनिक प्रोसेस से मैंने तैयार की है। तो इसको मैं बेझिझक दो एक बार धोकर ही खा सकती हूँ, क्योंकि कोई भी केमिकल्स मैं मेरे प्लांट में यूज़ नहीं करती हूँ। इसमें थोड़ा धूप कम पड़े है, पत्ते के नीचे है, इसलिए इसका कलर देखिए थोड़ा फेड है, लेकिन इस वेजिटेबल को आप बेझिझक खा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस प्लांट में ये एक छोटू सा बैंगन और उसके नीचे उससे भी ज़्यादा छोटा एक बैंगन, तो बहुत सारे बैंगन अभी भी है मेरे प्लांट में, मैं इसको भी हार्वेस्ट कर लूँगी कल परसों। तो दोस्तों मेरे नेक्स्ट वेजिटेबल प्लांट है ये तुरई, इसे तोरी भी कहा जाता है। तो पिछले साल मेरे गार्डन में बहुत सारे तोरी हुए थे एक ही प्लांट में, और आप लोग देखे थे कि मिट्टी में वो प्लांट हुए थे और मेरे फोर्थ फ्लोर तक वो प्लांट क्लाइंब करके उठे थे, तो बहुत सारे उनमें तुरई हुए थे। तो मैं घर पर तो खाई हूँ और मेरे जो आसपास की नेबर है, मेरे रिलेटिव्स है, सबको मैंने वो तुरई दिए थे, तो सभी लोग बहुत ही खुश हुए थे वो पाकर। तो इस बकेट में दो प्लांट है तुरई की, और पीछे देखिए अनियन प्लांट है, और दोनों प्लांट में ही बहुत ही अच्छी तुरई हुई है। तो मेरे गार्डन में इस साल बहुत सारे तुरई के प्लांट हुए हैं, क्योंकि पिछले साल की जो तुरई थी उसकी सीड्स मैंने रखी थी और उसी सीड्स को चारों तरफ छिड़क दिए थे, तो उसी से ही प्लांट्स ग्रो हुए हैं। देखिए कितने अच्छे तुरई हुए हैं और एकदम अभी छोटे हैं, तो मैं इसे
कल ही हार्वेस्ट कर लूँगी, क्योंकि ज़्यादा बड़े करने से ये थोड़े हार्ड हो जाते हैं, इसीलिए इस समय ही इसको तोड़कर कुछ भी करके खाना बहुत ही हेल्दी होगा। और ज़्यादा बड़े हो जाने से इसके अंदर भी हार्ड हो जाते हैं, इसीलिए ये देखिए ये ऊपर की टेरेस में चढ़ रहे हैं। ये देखिए बहुत सारे तुरई हुए हैं, मुझे तो तोड़ने से ज़्यादा देखने में पसंद आते हैं। मैं हर बार ही कहती हूँ कि हार्वेस्टिंग से ज़्यादा मुझे इसको ग्रो करने में मज़ा आता है। ये देखिए अभी तक फूल लगे हुए हैं और इस साइड में भी बहुत सारे हुए हैं तुरई। इस बकेट के पास जो बकेट है उसमें भी तुरई लगे हुए हैं और ये देखिए, और इसी प्लांट में बहुत सारे तुरई हो रहे हैं। ये देखिए छोटे छोटे हैं, ये देखिए। तो शाम होने वाले हैं इसलिए थोड़ा लाइट कम पड़ रहे हैं। तो मैं तो पहली बार सोची थी कि मैं इस प्लांट को हटा दूं, क्योंकि ये जो नेट है देखिए पूरे टूट फूट गए हैं, तो इसमें ज़्यादा अच्छे नहीं चढ़ रहे हैं, तो जंगल सा लग रहा है इसीलिए। लेकिन अभी फ्रूटिंग आना शुरू हुए है तो मैं इसको रख दूंगी। फ्रूटिंग ख़त्म हो जाने के बाद मैं इस प्लांट को उखाड़ कर फेंक दूंगी, क्योंकि बहुत ही जंगल सा बन जाते हैं, धूप नहीं पड़ते हैं प्लांट्स में। इसलिए इस साइड में भी देखिए, ये देखिए ऊपर की टेरेस में जा रहे हैं, ये देखिए। तो ज़्यादा ऊंचे में होते हैं तो इसको हार्वेस्ट करने में भी प्रॉब्लम होते हैं मुझे। ये देखिए कितनी ब्यूटीफुल है। तो कैसे लग रही है फ्रेंड्स, आप लोगों को प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। तो दोस्तों चलिए अब उस टेरेस में जाते हैं। ये देखिए मेरे जो टॉप टेरेस में जाने की सीढ़ी है वहाँ पर देखिए ये तुरई हुई है, और एक साथ देखिए 3-4 तुरई लगे हुए हैं, तो देखने में भी कितनी ब्यूटीफुल लग रहे हैं। ये भी हार्वेस्ट करने के लिए तैयार है, और ये प्लांट छोटे से बोरी में लगे हुए हैं इसलिए इसका साइज़ भी देखिए कितने छोटे छोटे हुए हैं, लेकिन देखने में तो मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हैं, है ना दोस्तों। कितनी अच्छी 1, 2, 3, 4 तुरई एक साथ। तो चलिए अब नेक्स्ट तुरई की प्लांट को देखते हैं, और वो है इस साइड में। इस साइड में भी ये एकदम ऊपर तक चढ़ गए हैं, टॉप टेरेस में चले आए हैं ये प्लांट। इसमें भी देखिए कितनी अच्छी तुरई हुए हैं। ये देखिए मैं और भी ऊपर जाकर दिखाती हूँ। ये देखिए मैं एकदम टॉप टेरेस में चली आई हूँ, और यहाँ पर देखिए कितने अच्छे तुरई हुए हैं। तो मैं ये ना कही अभी अभी कि बहुत सारे तुरई की प्लांट इस साल हुए हैं। पिछले बार एक ही प्लांट पे बहुत ज़्यादा तुरई हुए थे, और इस साल बहुत ज़्यादा तुरई की प्लांट है, तुरई भी बहुत ही अच्छी तरह हो रहे हैं। और ये है एक पम्पकिन की प्लांट, इसकी भी ग्रोथ बहुत ही अच्छी है। और दोस्तों ये है करेले की प्लांट, कितनी हेल्दी करेले की प्लांट है। देखिए इसमें करेले भी हुए हैं, मैं दिखाती हूँ आप सबको। ये देखिए देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा कोशिश करती हूँ दिखाने की। ये देखिए छोटे से एक करेला, बहुत सारे बर्ड्स आए हैं, शायद इनमें फ्रूट्स भी होगी। तो अब चलिए दिखाती हूँ मैंने कौन कौन से सीजन फ्लावर की प्लांट लगाई है। ये है पिटूनिया, और ये है पैंसी। पिटूनिया देखिए कितने छोटे हैं अभी तक, तो धीरे धीरे ये बड़े भी होंगे और फ्लावर्स भी खिलेगी, तो मैं आप सबको ज़रूर तब दिखाऊंगी। तो मैंने ज़्यादा विंटर की प्लांट्स अभी तक लगाई नहीं है, तो कुछ बहुत ये पिटूनिया और पैंसी की प्लांट लगाई है। और दोस्तों ये है मेरे जो चाइनीज़ ऑरेंज है उसकी प्लांट, और देखिए फ्रूट्स कितने अच्छे कलरफुल बन गए हैं, और अभी भी देखिए फ्लावर्स भी खिल रहे हैं। तो फ्रूट्स अभी तक ख़त्म नहीं हुए हैं और फ्लावर्स भी शुरू हो गए हैं, तो ये फ्लावर से भी फ्रूट कन्वर्ट हो जाएगी, फिर से ये प्लांट भर जाएगी इस चाइनीज़ ऑरेंज से।
इसका फ्रूटिंग ख़त्म ही नहीं होते हैं, साल भर इस प्लांट में फ्रूट्स बने रहते हैं। ये देखिए छोटे छोटे फ्रूट्स लगे हुए हैं। तो इस प्लांट को आप गार्डन की सजावट के लिए ज़रूर ला सकते हैं, लेकिन ये जो चाइनीज़ ऑरेंज है इसको कभी भी खाने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही खट्टा है। और मैंने एक बार आप सब से वीडियो में शेयर की थी इसको खाकर, तो मेरे दांत ही सड़ गए थे। तो दोस्तों इसको खाने की भूल मत कीजिए, लेकिन गार्डन को सजाने के लिए ज़रूर इस प्लांट को ला सकते हैं। तो दोस्तों अब है मेरे नेक्स्ट प्लांट, ये एप्पल बेर की। इनमें देखिए कितने अच्छे एप्पल बेर हुए हैं। तो दोस्तों अभी इस नवंबर महीने में जो भी मेरे गार्डन में फ्लावर्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की प्लांट्स थे, आप सब से मैंने शेयर कर ली है। तो आप सबको मेरे ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक देना मत भूलिएगा, और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं वो लोग प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सबको मेरी तरफ से बिग 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 थैंक यू।